नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लंबे कयासों के बाद आखिरकार राजस्थान भाजपा को उनका नया नेतृत्व मिल गया है। भाजपा आलाकमान ने मदन राठौड़ पर विश्वास जताते हुए उनको राजस्थान की कमान सौंपी है। मदन राठौड़ की बात की जाए तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी में से एक गिने जाते हैं। सचिन पायलट एक ओर जहां युवाओं की पहली पसंद के रूप में देखे जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता भी युवाओं में कम नहीं है। लेकिन सचिन पायलट द्वारा किरोड़ी लाल मीणा को लेकर दिया गया बयान अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। युवाओं ने सचिन पायलट को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सुनिए सचिन पायलट ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कुछ कहा। अब पता नहीं मंत्री तो है, कृषि मंत्री अभी, पता नहीं वो सत्ता में है कि नहीं है, मामला लटका हुआ है। और मैं तो कहता हूं अगर सरकार और थोड़ा और जोर लगा के मनाएगी तो मान जाएंगे, वो उस कगार पे पहुंच गए हैं। राजस्थान में मानसून की मिलीजुली प्रतिक्रिया इस समय लोगों को जमकर सता रही है। दो दिन से कई जिलों में हुई बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली थी, तो वहीं एक बार फिर से तीखी धूप ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के करीब सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ में तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग को लेकर तथा प्रे ग्रेड 3600 की सीटें स्वीकृत करने की मांग को लेकर सभी तकनीकी कर्मचारी संगठनों के बैनर तले 13वें दिन भी एक घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि वार्ता में एक महीने का समय मांगा गया था, लेकिन कर्मचारी जल्द से जल्द मांग पूरी करने पर अड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री व डिडवाना से निर्दलीय विधायक यूनिस खान के द्वारा विधानसभा बजट सत्र के दौरान रोडवेज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उठा बवाल अब तेज होने लगा है। मामले को लेकर झालावाड़ डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने विधायक यूनिस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। झालावाड़ जिले के गोविंदपुरा गांव के किसान के पुत्र ने साबित किया और अपने पिता को मेहनत करते और कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए उसने घरेलू जुगाड़ और घरेलू कृषि उपकरणों की मदद से एक मशीन बनाकर उदाहरण पेश किया है। गरीब किसान का बेटा अभाव में भी कुछ कर सकता है। राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने किसानों की मदद के लिए एक मशीन तैयार की। छात्र का नाम रामधन लोधा है, वह बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। किसानों के लिए बनाई ये खास मशीन, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर जन स्वास्थ्य अभियांत्री विभाग को RWSSC में परिवर्तित करने के विरोध में PSD संयुक्त संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 190 IT द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त कार्यों, कार्मिकों एवं पेयजल योजनाओं सहित RWSSC में हस्तांतरित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा किए गए इस निर्णय के विरोध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए MSP कानून लागू करने की मांग की है। इससे पहले भी MSP कानून को लेकर कई बार विपक्ष द्वारा लोकसभा में जोरदार हंगामा किया जा चुका है। पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही छात्र शक्ति लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी। विधानसभा में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर विधायकों द्वारा लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा था, जिसके बाद अब छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में अगस्त महीने में छात्र संघ चुनावों को शामिल किया गया है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार इसको लेकर फैसला ले सकती है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से SOG पर बड़ा निशाना साधा है। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि SOG के लोगों ने जिम्मेदार सीट पर बैठते हुए बेगुनाहों को फंसाया और गुनहगारों को बचाया है। अगर 15 दिन में इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।